तो राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है, क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी, सुनवाते हैं। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, रात दिन दौड़ना पड़ता है, अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है, जैसे हम लोगों को भी दौड़ धूप रहती है, मीडिया के साथियों को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, रात दिन दौड़ना पड़ता है, अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है, तो आप लोगों ने भी बहुत कष्ट उठाया है। मैं आशा करता हूं कि मीडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा और पिछले एकाध सप्ताह का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे। तो 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है, एक नए कालखंड में प्रवेश करता है टीन एज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है, और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है, और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं, और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले दो टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है, 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी, एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है, और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी, और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में
काम कर रहे, एक निमंत्रण नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी, अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे, उसके बाद शपथ समारोह होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 एंड एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था, मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक तनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है। ऐसी विकट परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। हर देश इन सारी समस्याओं के बीच अपने आप को बचाए रखना, बढ़ाते रहना, चुनौतियों का डगर डगर पर सामना कर रहा है। हम भारत वाले लोग, हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा, देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।